स्टूडेंट आई एम अमित एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑन योर चैप्टर फैक्टराइजेशन एंड इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 7.2. एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. ठीक है, फैक्टराइज करना है पहले तो एक्सप्रेशंस को. ठीक है, एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, जिसे लिखा हुआ है आपको उससे डिवाइड कर देना है. ठीक है, लेकिन पहले फैक्टराइज करना होगा. याद है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसे फैक्टराइज किया था, याद होगा अगर आपको. तो इस बार इस पूरे क्वेश्चन में हमको फैक्टराइज ही करना है. ठीक है, चलिए करते हैं. सो एक्स पार फोर माइनस वाई पार फोर इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. So what will we get after dividing these two polynomial? So x power 4 and y power 4 can be written as x square whole square minus y square whole square. ऐसे लिख सकते हैं हम. Divide by x square minus y square. अब यहां से आप देखो, अब इसको हम consider करेंगे a और इसको मैं consider b करूंगा. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी. क्लियर, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से. यहां से आप कैंसिल कर दो तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं. बी पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का. दिस टाइम यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स और इसको आपको डिवाइड कराना है किससे, बाई एक्स माइनस थ्री. देखिए मैंने आपसे पहले बोला था कि अब आप इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज. ठीक है, तो फैक्टराइज करने पे क्या आएगा, फैक्टराइज करना आपको सिखा दिया है मैंने. ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप 7.1 की वीडियोस में जाएं, मतलब इस चैप्टर की सेकंड वीडियो पे जाएं, तो आपको फैक्टराइज करना आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको पता है कि इसमें हम स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाते हैं. 5 को ऐसा स्प्लिट करेंगे, प्लस माइनस करने पे 5 आए और प्रोडक्ट करने पे 6 आए, तो क्या होगा 3 प्लस 2, क्या होगा आपके पास 3 प्लस 2. तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो मुझे x माइनस 3 और x माइनस 2 मिलेगा. आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. ठीक है, फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखा दिया है. आपको भी एग्जाम में फैक्टराइज इनको करना नहीं है, आप फैक्टराइज ही करोगे लेकिन आपको फैक्टराइज दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट जो रिजल्ट आ रहा है आपको उसको लिखना है. मतलब इसको आप जब फैक्टराइज करोगे तो आपको फैक्टराइज करने के बाद क्या आएगा, आपको उसको यहाँ लिखना है. ठीक है, तो आप इस फैक्टराइज को एग्जाम में क्या कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो. ठीक है, रफ में करने के बाद यहाँ पर जो उसको फैक्टराइज करने के बाद आएगा आप उसको लिखोगे केवल. सो एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट एक्स माइनस टू, एक्स माइनस. क्लियर, तो इस तरीके से होगा. मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको इसको इसको फैक्टराइज तो करना है लेकिन इसके फैक्टराइज को आपको यहां दिखाना नहीं है, आपको केवल इसके फैक्टर्स को दिखाना है. ठीक है, कि इसको फैक्टराइज करने के बाद आया क्या, आपको केवल रिजल्ट से मतलब है. आपने रिजल्ट लिख दिया और डिवाइड बाई दिस और उससे कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, और आप इसके फैक्टराइज को आप रफ पे कर सकते हो एग्जाम टाइम में या कहीं पे कर लो. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे केवल रिजल्ट लिखना है. सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट में हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई माइनस का 36 और इसको किससे हमको डिवाइड करना है, बाय वाई प्लस नाइन, वाई प्लस नाइन इससे हमको डिवाइड करना है. अब यहां देखिए आप कैसे कर सकते हैं, यहां पे भी स्प्लिट द मिडिल टर्म लगेगा. आपको मैं नंबर बताता हूं कि 5y माइनस 36 अगर आप इसको स्प्लिट करो तो 5 को आपको स्प्लिट करना होगा कैसे, कि प्लस माइनस करने पे 5 है और प्रोडक्ट करने पे 36 आए.
तो 9 और 4 ले लो आप। देखिए अगर 9 और 4 लेंगे तो 9 माइनस 4 5 होता है, 9 4 जा 36 होता है, ठीक है। तो वहां से अगर आप करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइज के बाद कर रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो फैक्टराइज करने के बाद मुझे मिलेगा y प्लस 9 एंड y माइनस 4, क्लियर, डिवाइड बाय y प्लस 9 और ये आपका y प्लस 9, y प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट y माइनस 4, y माइनस 4, ठीक है। मतलब अगर आप इसको इससे डिवाइड कराओगे तो यू विल गेट y माइनस 4, ठीक है। डी पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x। एक्चुअली इस सब डिवाइड को करने का एक मेथड और है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मुझे हम वही मेथड बताने वाले थे लेकिन जब मैंने देखा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके बुक में डिस्कस नहीं किया गया था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, ठीक है। नाइन्थ क्लास में हमको पढ़ना ही है तो वहां पे हम फिर से पढ़ लेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आपको इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो फिर से वही करना होगा, इसको आपको फैक्टराइज करना होगा। और आपको फैक्टराइज आप करोगे रफ में और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको आप केवल यहां पर लिखोगे, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा, किस दो नंबर में स्प्लिट कर दें कि प्लस माइनस करने पे 14 आ जाओ, प्रोडक्ट करने पे 51, तो 17 एंड 3। तो देखिए 17 माइनस 3 14 एंड 17 3 जा 51, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो x माइनस 17 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 3 इन अदर ब्रैकेट, फैक्टराइज करने के बाद हमको यही मिलेगा। आप देखना, आप फैक्टराइज करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। और x प्लस 3 डिवाइड में है ही है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट x माइनस 17, क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट करते हैं, तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना अगर आपको आता है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस चैप्टर के वीडियो नंबर सेकंड पे चले जाएं, वहां से आप फैक्टराइज करना सीख सकते हैं। बाय 3x प्लस 1, अब इसको आपको इससे डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे, अब यहां पर आपको पहले तो आप लिख लो, थ्री एक्स प्लस वन, इस बार भी आपको फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, और इस बार प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। देखिए 3 3 जा 9 है, और प्लस माइनस करने पे 10 आना चाहिए। तो कौन से नंबर को ले सकते हैं हम, 9 एंड 1 को, क्योंकि 9 एंड 1, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, तो 9 और 1 में हम 10 को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो 3x प्लस 1 मिलेगा आपको, और इधर आपको मिलेगा x प्लस 3, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कैंसिल 3 प्लस x, 3x प्लस 1 एंड यू विल गेट x प्लस 3, आपको x प्लस 3 मिल जाएगा, ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस जो भी इसका फैक्टराइज आएगा आपको उसको रफ में करना है पहली बात तो, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। बस आपको फैक्टराइज यहां पर दिखाना नहीं है, वो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे फैक्टराइज करके नहीं दिखाना है, आपको केवल इसके रिजल्ट को लिखना है। आप उसको रफ में करो, एग्जाम में आप कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको उसको रिजल्ट लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एफ पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। एफ पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 10x² + 24x / x² + 6x, इसको हमको इससे डिवाइड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहां पर पहले वही अपना फॉर्मेट लिख लें जैसे हम लिखते हैं, दिस डिवाइड बाय दिस,
क्लियर। अब यहां से देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन बननी है, और क्यूबिक एक्सप्रेशन को या क्यूबिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना तो सीखा नहीं है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहां से x कॉमन कर लो, x कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन कर लो, तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, और नीचे नीचे भी आप x कॉमन कर लो, तो x प्लस 6, x प्लस 6। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, अब ये आपके नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जैसे हम करते आ रहे थे अभी, ठीक है। अब इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टराइज करने के लिए इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, प्लस माइनस करने पे 10 आया और प्रोडक्ट करने पे 24, तो क्या होगा 12 और 2 भी ले सकते हैं आप, और आप 6 4 ले लो, वो सही है ज़्यादा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो जब आप 6 और 4 लोगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँ तो x प्लस 6 इन वन ब्रैकेट एंड x प्लस 4 इन अदर ब्रैकेट और x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से देखिए x प्लस 6 कैंसिल हो गया एंड यू विल गेट x प्लस 4। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट x प्लस 4, हमें x प्लस 4 मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन हम जी पार्ट देखते हैं, जी पार्ट में देखिए आप 10 एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस 6 से माइनस 16 को डिवाइड करना है आपको, 5y ब्रैकेट a प्लस 8। तो पहले आप अपना फॉर्मेट लिख लो, जैसे लिखते हो दिस डिवाइड बाय दिस, क्लियर। अब यहां से देखो आप 5 2 जा 10, वाई कैंसल वाई, सो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2x ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा ओनली a प्लस 8, ठीक है। फिर देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब दो नंबर आपको चाहिए जिसमें हम आप इसको स्प्लिट कर पाओ, तो आप 8 - 2 यूज कर लो, सो 2x। अब यहां से देखो आप 8 - 2 अगर आप स्प्लिट करोगे तो आपको स्प्लिट करने के बाद जो मिलेगा वो a प्लस 8 एंड a माइनस 2 मिलेगा, और नीचे आपके पास a प्लस 8 है ये, ठीक है। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट a प्लस 8 एंड a माइनस 2। अब a प्लस 8 कैंसिल a प्लस 8, सो फाइनली यू विल गेट 2x a माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एच पार्ट देखते हैं, अब एच पार्ट देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है एक्स प्लस बी सी बाई एक्स प्लस सी, यानी इस पूरे के पूरे टर्म को हमको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक्स प्लस सी से डिवाइड करना है। तो चलिए अपना फॉर्मेट लिखते हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये एक्स क्या है मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, तो क्या हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लेते, एक बार इससे करा लेते एक बार इससे, तो मल्टीप्लाई कराते वक्त लिखते हैं बी एक्स प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी, ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स प्लस सी, एक्स प्लस सी से हमको डिवाइड करना है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या कर लीजिए जरा यहां देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो आप एक्स कॉमन कर लो, आपको क्या मिलेगा ए प्लस बी, सॉरी ए एक्स प्लस बी मिलेगा, सॉरी आप जब x कॉमन करोगे तो यू विल गेट ए एक्स प्लस बी, और यहां से क्या कॉमन कर सकते हैं, देखिए यहां से c कॉमन कर सकते हैं, तो c अगर हम कॉमन करेंगे तो वी विल अगेन गेट ए एक्स प्लस बी, और होना भी यही चाहिए, जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इधर का टर्म और इधर का टर्म सेम होना चाहिए, और वो यही हुआ भी, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है x प्लस सी। अब देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी कॉमन है, तो आप ए एक्स प्लस बी को कॉमन ले लो, तो ए एक्स प्लस बी कॉमन हो जाएगा तो आपको x प्लस सी मिलेगा, ठीक है,
ए एक्स प्लस बी कॉमन हो गया, तो यहाँ आपको x मिलेगा, वो x लिख दिया, यहाँ पे आपको ओनली c मिलेगा, तो c लिख दिया। और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, x प्लस सी। यहाँ से देखो आप, x प्लस सी कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट ए एक्स प्लस बी। सो वी कैन से दैट ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी विल गेट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये चैप्टर फैक्टराइजेशन खत्म होता है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने फैक्टराइज कराया है, तो आपको ये वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आई होगी, आपको पता ही नहीं चला होगा हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो नंबर 2 पे चले जाना इसी चैप्टर के, तो पहले वो जाकर के देख रहा हूँ वहां फैक्टराइज कैसे करते हैं, फिर यहां पर आना, तब आपको डिवाइड समझ में आएगी। अदरवाइज ये तो वीडियो बिल्कुल भी आपको नहीं समझ पाएगी। हाँ, इससे पहले वाली वीडियो तो थोड़ी बहुत समझ में आ भी गई होगी आपको। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली इतने ही क्वेश्चन क्या, एक्चुअली ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच नेम इज लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर, सो थैंक यू।